बावलोग आज बात करेंगे कि वाई भूलभुलैया फर्स्ट इज फार बेटर देन इट्स फ्रेंचाइजी। हाँ ये सच है, भूलभुलैया फर्स्ट का कोई मैचअप नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक ऐसी स्टोरी एंड कंटेंट को फॉलो करती है जो लॉजिकल फिट होती है। ऑल्सो जिन फैक्ट्स के बेस पर इसकी स्टोरी लोगों को जोड़ के रखती है वो फैमिलियरिटी का वाइब देती है, लाइक अंधविश्वास। इसी के साथ बेस्ट कॉम्बो डिलीवरी ऑफ सुपरस्टिशन एंड साइंस, लाइक अनवी के अंदर मंजुलिका आई नहीं थी, उसने मंजुलिका की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, उसकी स्टोरी को खुद फील करती थी एंड स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक्ट करती थी मंजुलिका की तरह, बट ये सब करते करते वो कम मंजुलिका ही बन गई, उसे खुद नहीं पता चला। मंजुलिका की स्टोरी को खुद की गुजरी लाइफ से जोड़ना जो बेस्ट पार्ट था इस मूवी का। दूसरा, अंधविश्वास फैक्टर, क्योंकि भूलभुलैया की स्टोरी लेट 90s की स्टोरी को एड्रेस करती है और उस टाइम पर कुछ भी सुन के मान लेना बहुत कॉमन था। लाइक जब परेश रावल एंड असरानी जी हवेली में चाबी लेने जाते हैं वो शाम के टाइम यानी अंधेरे के टाइम, और वो भूतनी का परछाई वाला इंसिडेंट होता है जिससे वो दोनों फिर भाग जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन परेश रावल का मंत्र जाप का धागा हाथ में लेने की वजह से वो मौन व्रत का इंसिडेंट, पेड़ को बांधने तक तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते, तो मुझे जो चाप, जहाँ असरानी जी फिर तरह तरह की कहानी बनाना शुरू कर देती हैं कि ये सब महल में जाने की वजह से हुआ है, रात में नहीं जाना चाहिए था, अब इनकी बोलती बंद हो चुकी है, ये गूंगे हो चुके, वगैरह वगैरह जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने सब कुछ बोला। दूसरा, जब अमीषा पटेल का विद्या बालन की तरफ से ट्रिगर कराना कि यही मंजुलिका है, और परेश रावल का एट द मोमेंट उसके हाथ में वो चाकू देखना, उन्होंने कंफर्म मान लिया, तो ये अंधविश्वास वाला फैक्टर बहुत सॉलिड हिट था जो नॉर्मली हम इंडियन पीपल के साथ कनेक्ट कर गया, क्योंकि ये चीजें आज भी 2024 के टाइम पर भाई मेजॉरिटी ऑफ प्लेस में देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी भी चीज को लेकर ऐसी निगेटिव पावर वाली कहानी बना दिया जाए जो लोग बना ही देते हैं अक्सर, फिर उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ कनेक्शन सेट करने लग जाते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट था। तीसरा, इसकी कॉमेडी, ऑल कॉमिक पंच और उनकी सॉलिड डिलीवरी अनमैचेबल पार्ट है, क्योंकि जो पावर हाउस कास्ट इसमें इस्तेमाल करी गई है वो सब मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने फील्ड के, राजपाल यादव, असरानी जी, परेश रावल जी एंड अक्षय कुमार पाजी, कॉमेडी की लाइन में इनका कोई टक्कर नहीं है। देन उसके बाद जोक्स राइटिंग आर सुपर अमेजिंग, लाइक बेस्ट कॉमिक पार्ट जो मुझे हिट हुआ अक्षय पाजी का, वो गोटी 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 वाला मोमेंट, वो बंदा जब भी आया अक्षय पाजी ने उसकी धज्जियां उड़ाई, मतलब वो एक दूसरे का स्टक मोमेंट था, जब भी अक्षय पाजी अपने मिशन को निकलते उससे टकरा जाते और इंटरप्ट हो जाते, एंड अक्षय का वो फ्रस्ट्रेशन के साथ उसकी टांग खींचना जिसे स्क्रीन टाइम पर डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से पिरोया है। उसके बाद परेश रावल जी का ऑल कॉमिक डिलीवरी, एक्टिंग परफॉर्मेंस तो भाई उनकी धांसू रहती ही रहती है, एंड द बेस्ट कॉमिक जोक ऑफ परेश रावल जो मुझे हिट करके गया उस पूरी मूवी में, कि एक साथ मिलकर झुंड में चलो, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं लग रही कि मेरी डर से फटी पड़ी है, तो ये बेस्ट पार्ट। एंड अपने राजपाल यादव जी का तो क्या ही कहना है, वो छोटा पंडित का ऑल परफॉर्मेंस, देन वो मंजुलिका का कैद करने वाला रिचुअल सेरेमनी के बाद उनका पागल हो जाना, जहाँ से ऐसे एवरग्रीन जोक एंड मीम मटेरियल डिलीवर हुआ जो आज तक मीम्स में इस्तेमाल करे जाते हैं। सबसे पहले तो वो उनका लाल रंग वाला चेहरा, वो हुलिया ही बहुत ही दमदार था। देन असरानी जी को ये कहते हुए हिट करना कि जब वो साइकिल में होते हैं कि बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर सवार होकर, उसके बाद वो अक्षय पाजी से इनका टकराना कि लोग कहते हैं मैं बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी, डॉक्टर हूँ भाई। दीज ऑल जोक्स आर राजपाल यादव सुपर फैंटास्टिक, जिन्होंने लोगों को अपना बना लिया था। एंड लास्ट थिंग, एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कास्ट इज सुपर सुपर अमेजिंग। ऑल्सो डायरेक्टर ने स्टोरी एंगल को भी बिल्कुल भटकने नहीं दिया, उसे लव स्टोरी में नहीं घुसाया, लाइक अक्षय और अमीषा का गेट टुगेदर वाला मोमेंट लास्ट तक सभी को देखना ही था, यानी देखना चाहते थे, दिल से जिज्ञासा जग रही थी, बट उसे प्रायोरिटी नहीं दी मेकर ने, बस कॉमेडी हॉरर मूवी बनेगी और वही फोकस रखा डायरेक्टर साहब ने, जो बेस्ट पार्ट था। ये मूवी अगर हंसा के गई है तो बाबा हॉरर के पार्ट पर यह तस्वीर फाड़ कर भी गई है। विद्या बालन जी का एक्टिंग परफॉर्मेंस एज मंजुलिका, बाबा वो लुक देख कर फट के हाथ में आ गई थी, जो सबसे पावरफुल थिंग थी इस पूरी मूवी की। तो बाबा दीज आर माई ओपिनियन जिस हिसाब से भूलभुलैया मुझे हिट करके गई है, और भी पॉइंट हैं लेकिन ये मेजर पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए भूलभुलैया 3 आने से पहले, जो डेफिनेटली बहुतों को हिट हुए होंगे इस मूवी को देखने के दौरान।
बाकी अभी 1 नवंबर को भूलभुलैया 3 आने वाली है। देखते हैं ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की लाज बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि भूलभुलैया 2 ने जैसे तैसे इस फ्रेंचाइजी की लाज बचा ली, पर भूलभुलैया 2 भूलभुलैया फर्स्ट से बेटर नहीं है। देखते हैं थर्ड पार्ट क्या गुल खिलाता है, क्योंकि ट्रेलर उतना प्रॉमिसिंग तो नहीं लगा। हालांकि ट्रेलर बहुत मिस्ट्री प्रॉमिस करके गया है कि ढूंढो भाई इसमें मंजुलिका कौन है आखिर। माधुरी एंड विद्या बालन दोनों ही मंजुलिका का रोल प्ले कर रही हैं, तो देखते हैं इसमें कौन होगा, 1 नवंबर को पता चल जाएगा। बाकी भाई आपने भी भूलभुलैया को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना, और भूलभुलैया 2 भी देख लिया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और दोनों में से बेस्ट मूवी कौन सी रही है आपकी, और भूलभुलैया 3 के लिए कौन कौन कितना ज़्यादा एक्साइटेड है ये भी जरूर बता के जाना बाबा, क्योंकि विद्या बालन जी दोबारा से उसमें वापस आ रही हैं, तो हो सकता है इन दोनों मूवी का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बट ना ही भी तोड़ सकते हैं। देखते हैं भाई, बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब 1 नवंबर को ही मिल पाएंगे हमें। कौन कौन कितना वेट कर रहा है नीचे जरूर बता के जाना। यहाँ तक पहुँच गए तो इसको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।